खगड़िया जिला के कटहरा गांव निवासी बिरजू और सचिन की 2 जुलाई 2022 को एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। दोनों किसी काम से बाजार जा रहे थे, इसी दौरान एक अज्ञात वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं दुर्घटना के बाद मृतकों के पिता मुआवजा राशि पाने के लिए लगातार सरकारी कार्यालयों का चक्कर लगा रहे हैं। खगड़िया से लेकर भागलपुर के प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय तक परिवार 2 वर्षों से न्याय और सहायता की तलाश में भटक रहा है, लेकिन अब तक उन्हें मुआवजा नहीं मिला है। इस घटना ने सरकारी तंत्र की धीमी कार्य प्रणाली और पीड़ित परिवार के प्रति संवेदनहीनता को उजागर किया है। मामला यही दुर्घटना वाला, अब क्षतिपूर्ति मेरे को नहीं मिला है। हम लोग 2 साल से इसके पीछे गरीब आदमी बुर रहे हैं, नोट खर्च कर रहे हैं, नहीं सुन रहे हैं कोई भी। क्षतिपूर्ति नहीं, बच्चे हमारा एक्सीडेंट हो गया, इसी की क्षतिपूर्ति। कब हुआ था एक्सीडेंट? 2022 में। 2022 से बोला था कि 2022 में घटना घटा, उसके बाद 6 महीने के बाद बोला कि हाईकोर्ट में अथी लग गया है, तो हाईकोर्ट कहते कहते उसके बाद खुला हाईकोर्ट। उसके बाद हमने खगड़िया से अप्लाई किया, खगड़िया से भेज दिया भागलपुर, भागलपुर दौड़ खगड़िया जा रहे हैं, दौड़ भागलपुर। क्या बोला जाता है, क्या बोला जाता है खगड़िया भागलपुर? यही बोलते हैं डॉक्यूमेंट्स वहाँ से लाइए लिखवा के क्षतिपूर्ति वाले मिलने का, तो वहाँ जाते हैं तो वहाँ नहीं दे रहे हैं, बोलते हैं कि ऐसे कह रहा है, वहाँ बकचोदी कर रहे हैं भागलपुर में। वहाँ से जब आते हैं तो यहाँ कहते हैं कि नहीं लाइए, वो चिल्लाना पड़ेगा, लाइएगा जब तब होगा। परेशान है हम पूरे। बच्चे का क्या नाम था? बच्चे का था बिरजू सचिन। बिरजू सचिन थे हमारे बच्चे का था बिरजू, इनके बच्चे का था सचिन। कहाँ की घटना है ये? घटना है रमीशन दीरा पड़ता है, रमीशन दीरा से रोड है वो मुंगेर जिला में पड़ता है, वहीं पे एक्सीडेंट हुआ। वहाँ पे भमरा है, भमरा से थोड़ी से नीचे होके हुआ है, वहीं पे दुर्घटना हुआ है। हम लोग है कटघरा दीरा के, खगड़िया जिला के, थाना गोगरी जमालपुर कोट फुदकी चक था। परेशान हैं हम पूरा। आज भी आए हम, आज डेट थे 28 तारीख के, अभी आए 28 तारीख के डेट में, खगड़िया इससे पहले हम गए थे कार्यालय। हाँ, आज भी हम आए डेट पे आया तो बोला क्या, तो जो चीज़ हमने बोले थे वो लाया, हमने बोले कि नहीं दिए, हमने मांगे थे वहाँ खगड़िया, तो बोले नहीं लाए थे, आपको केस खारिज हो जाएगा, आपको डेट है। अभी क्या मिला आपको? अभी भी बोले हैं कि आपको केस खारिज हो जाएगा, नहीं आप दिए वो चीन ला के नहीं दिए। डॉक्यूमेंट यही मांगे जा रहे हैं, मेंटेनेंस ये चीज़ का, दुर्घटना का, वहाँ से खगड़िया से, खगड़िया से नहीं दे रहे हैं, भागलपुर मांग रहे हैं वहाँ से नहीं दे रहे हैं। वहाँ हमने गए हैं तो बोला हाँ हमने बताया पूरे सारे बात। क्या बोल रहे हैं? बोला कि नहीं वो सब हम मानने वाले नहीं हैं, वो चिल्लाइएगा तब होगा, डॉक्यूमेंट जरूरी। हाँ वो चिल्लाइएगा तब, हाँ सही हुआ घटना कि नहीं हुआ, ये चीज़ यहाँ मांग रहे भागलपुर में। हाँ मेरा नाम है गोगल पटेल, कटघरा दीरा। भागलपुर के नवगछिया पुलिस जिले में गंगा और कोसी नदियों में पानी के लगातार बढ़ने से सैकड़ों गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। वहीं हजारों लोग ऊंचे स्थानों पर शरण लेकर अपने मवेशियों और परिवार के साथ किसी तरह जीवन यापन कर रहे हैं। बीपुर और गोपालपुर इलाके के कई ग्रामीणों ने भागलपुर के हवाई अड्डा मैदान में अस्थायी ठिकाना बना रखा है, जहां मवेशियों समेत पूरे परिवार रहने को मजबूर हैं। इस बार जिला प्रशासन की ओर से बाढ़ पीड़ितों के लिए अब तक केवल पॉलिथीन का वितरण किया गया है। बाढ़ पीड़ित परिवार पॉलिथीन के नीचे किसी तरह अपना जीवन गुजार रहे हैं, लेकिन उन्हें राशन और मवेशियों के लिए चारा नहीं मिल पा रहा है। बाढ़ पीड़ितों का कहना है कि वे सूखा खाना खाकर दिन गुजार रहे हैं और प्रशासन की ओर से किसी भी प्रकार की मदद का इंतजार कर रहे हैं। वहीं इस स्थिति ने प्रशासन की तैयारी और राहत कार्यों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। 15 दिन रह गए। की मिले जिला प्रशासन? कुछ नहीं मिला है अभी तक। पोलोथीन वगैरह? पोलोथीन तो एक टाइम मिल रहा है 10 परिवार में।
खाना के कोई व्यवस्था अभी नहीं हो रही। खाना बना के सचो बनाए छे वही ना एक दिन दो दिन बनी ना छे यार वो बने हुआ नहीं सब तो गुंडा खा के रह छे 15 कहीं ना समय पार कर ही रह छे 10 परिवार। अच्छा प्रत्येक साल इस तरह से हो छे बच्चा रो ना डेवन साल ढेर पानी हो छे वो साल आबे छे कोई कोई साल नहीं हो आबे छे मतलब बाढ़ जब आए बाढ़ आबे छे तब हमरा सनिक भाग हल लागे छे वहां कोई साथ ले नहीं छे रह के जब तोनी एक बार बाढ़ से प्रभावित हो छो तो कितना तरह के नुकसान रो झेलना पड़े छे। नुकसान हो छे ढेरी तो वहां तो माल जाल कम से कम 40,000 की क्षति हो छे हर साल लेकिन सरकार मुआवजा तौर पर की दे ना हमरा सनिक ना कुछ नहीं मिले छ की मांग करबो कोई चीज मांग करबे हमरा सनिक के घरे में मांग करबे आरो दूसरा कोन चीज मांग करबे। जानवर तोराल कितना छ जानवर छ 8 गो चारा के ठु दिल के चारा तो दूटा मिले छ दूटा वो 10 दिन में कत्ता दिन मिले एक दफे मिले छ यावे कत्ता अब कत्ता जो 10 डलिया कुट्टी होते आरो के 10 डलिया ओकरा बाद कुछ नहीं मिलना आरो कुछ नहीं मिल रहा एक टप्पन नहीं मिल रहा है अता अता परिवार में की नाम से छंगरी मंडल वाह टूटला बंगला घर से वे आदमी कै गो छो तोरा घर में हम 4 गो खाना बनेला रहा है ना कत्ते दिन होला यहाँ अला से 15 रोज 15 रोज हम कै रोज खाना बनेलो एको दिन नहीं हमें बनवा पड़े छे वो कहना मजबूरी हाँ जारान नहीं चुने पड़े छे नहीं नाने पड़े छे घास ले जाए छे तनटा जेले तेले में जिला प्रशासन को टीम आइलो रहा है हमरा नहीं देने छे हमरा नहीं लिखने छे देले नहीं गए ना वहाँ से तो नहीं कत्ते लोग आइलो छे कत्ते अमरी तो पूरे आइलो छे अच्छे होते हो कत्ते छे 200-300 हो बेते। पर्यावरण की रक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए लायंस क्लब सुल्तानगंज के अध्यक्ष डॉक्टर राम कुमार गुप्ता के नेतृत्व में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में डॉक्टर गुप्ता के साथ क्लब के अन्य सदस्यों ने दर्जनों वृक्ष लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। लायंस क्लब के सदस्य निर्मल कुमार सिंघानिया किशोर गुप्ता राजीव गुप्ता राजकिशोर गुप्ता और अरुण कुमार सहित अन्य लोग भी इस कार्यक्रम में शामिल रहे। डॉक्टर राम कुमार गुप्ता और निर्मल कुमार सिंघानिया ने इस अवसर पर कहा कि पर्यावरण की रक्षा के लिए हर व्यक्ति को कम से कम एक वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए। इससे न केवल पर्यावरण सुरक्षित रहेगा बल्कि तपती धूप में मनुष्यों और जानवरों को भी राहत मिलेगी। वहीं कार्यक्रम में लायंस क्लब के सदस्य बड़ी संख्या में मौजूद थे जिन्होंने पर्यावरण संरक्षण के इस अभियान में अपना योगदान दिया। आज का कार्यक्रम में हम लोग वृक्षारोपण का कार्यक्रम किए जो लायंस क्लब के द्वारा यह अति महत्वपूर्ण कार्यक्रम है और पूरे देश में हम लोग अपने अपने क्षेत्रों में जहाँ जहाँ क्लब का है वहाँ वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया। वृक्षारोपण कार्यक्रम इस सबसे पहले पर्यावरण संरक्षण की एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा पूरे वातावरण को हरियाली बनाया जाता है और इससे आपको ऑक्सीजन की प्राप्ति पर्याप्त मात्रा में होती है। मानव जीवन के लिए ऑक्सीजन बहुत आवश्यक है। सुल्तानगंज प्रखंड के महेशी पंचायत में वर्षों पहले बाढ़ प्रभावित मोतीचक कल्याणपुर के किसानों को सरकार द्वारा पर्चा देकर जमीन आवंटित की गई थी लेकिन इन जमीनों पर अवैध कब्जा की सूचना मिलते ही सीओ रवि कुमार दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और सभी कब्जाधारियों को हटने का निर्देश दिया। सीओ रवि कुमार ने अवैध कब्जाधारियों को जमीन पर मकान और झोपड़ी बनाने से रोकते हुए उन्हें तत्काल जगह खाली करने का आदेश दिया है। वहीं कुछ कब्जाधारियों ने जमीन की खरीदारी का दावा किया तो उनसे जमीन के कागजात मांगे गए लेकिन वे अपने दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पाए। सीओ ने स्पष्ट किया कि यह जमीन बिहार सरकार की है जिसे हाईकोर्ट द्वारा भी मान्यता दी गई है और इस पर केवल पर्चाधारियों का अधिकार है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पर्चाधारियों की जमीन पर किसी भी प्रकार के अवैध कब्जे को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ऐसे मामले में कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान ग्रामीणों के साथ पुलिस बल महिला पुलिस बल भी मौजूद थी जो स्थिति पर नजर बनाए हुए थे। क्या निर्देश दिए इन लोगों को? कुछ ग्रामीणों द्वारा भैंस बांधा गया है
तो उसी में कोई अवैध कब्जा भी नहीं है। इन लोगों को बोला गया कि कोई नहीं, ऐसा सूचना मिला था कोई निर्माण कार्य हो रहा है, लेकिन निर्माण कार्य नहीं हो रहा है। जो बाहर से प्रभावित हैं वो लोग अपना भैंस उसमें बांधे रखते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पर समझा दिया है कि किसी का निर्माण कार्य नहीं होगा, तो ये पर्चाधारी की जमीन मिला हुआ है।